स्पोर्ट्स सेगमेंट की पहली बाइक है अपाची आर आर 310, जिसमें आपको 174 केजी कर्व वेट होने वाला है। साथ में स्पिट थ्रिल्स चेसिस पर यह बाइक बनी होने वाली है। 811 mm की सीट हाइट होने वाली है और लुक्स आप देख सकते हैं काफ़ी प्रीमियम लुक्स में गाड़ी आने वाली है। और साथ में जब हम बात करते हैं इसके कंपेरिजन की, तो कंपेरिजन होता है इसका BMW की बाइक से। तो आर 310 आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 810 mm की सीट हाइट होने वाली है। फ्रंट का लुक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने वाला है, देखने पर लुक्स बढ़िया लगता है। साथ में 174 केजी कर्व वेट होने वाला है, सामने से देखने पर काफ़ी प्रीमियम लगती है। इसका नया कलर वेरिएंट है। वहीं जब हम सामने से फ्रंट में देखेंगे तो USD में सस्पेंशन और प्रोजेक्टर लाइट विथ DRS देखने के लिए मिलेंगी। ट्रांसपेरेंट वाइजर होने वाला है। और वहीं जब हम बात करते हैं भैया अपाची की, तो अपाची में आपको USD में सस्पेंशन, साइड में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो साइड फेंडर देख रहे हैं इसमें आपको एयर कटर देखने के लिए मिलेंगे। और साथ में फ्रंट में 110/70/17 का टायर होने वाला है। USD के में सस्पेंशन और साथ में 300 mm की डिस्क प्लेट देखने के लिए मिलेगी। और फ्रंट में आपको ऑरेंज कलर के एलॉय व्हील्स देखने के लिए मिलते हैं, बाइबर के कैलिपर होने वाले हैं। वहीं जब हम BMW की बात करते हैं तो BMW में भी बाइबर के कैलिपर हैं, डिस्क प्लेट होने वाली 300 mm की, 110/70/17 का टायर, USD में सस्पेंशन होने वाले हैं, लेकिन एलॉय व्हील ब्लैक कलर के होने वाले हैं। अपाची में आपको 313 cc का इंजन देखने के लिए मिलता है, 33 bhp की पावर, 27 Nm का टॉर्क देता है। BS6 इंजन, 86 ट्रांसमिशन और असिस्टेंट एंड स्लीपर क्लच देखने के लिए मिलता है। बदलाव यहीं पर होने वाला है क्योंकि BMW में जो इंजन है उसमें आपको 38 bhp की पावर, 29 Nm का टॉर्क, 6900 rpm पर देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पर भी 6 ट्रांसमिशन वाला इंजन होने वाला है, यानी कि 312 cc के इंजन में पावर ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। रियर का टायर देखेंगे तो 150, 60 और 17 inch का टायर, एलॉय व्हील टायर अगर जैसे ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे जब हम RR 310 की बात करते हैं। और दोस्तों जब हम बात करते हैं BMW की बाइक की, तो यहाँ पर भी सेम टायर होने वाला है जिसका साइज 150, 60 और 17 inch का होने वाला है। रियर में भी 280 mm की डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर जो फ्यूल टैंक है वो होने वाला है इसका 11 लीटर का फ्यूल टैंक देखने के लिए मिल जाएगा जब आप देखेंगे अपाची RR 310 में। और यहाँ पर राइडिंग की रेंज की जब बात होती है तो राइडिंग की रेंज होने वाली 374 किलोमीटर, जब BMW की बात होती है तो 360 किलोमीटर, यानी कि राइडिंग की रेंज कम है BMW में और 12 लीटर का फ्यूल टैंक है। साथ में सीट देखेंगे तो वेंटिलेटेड सीट टॉप वेरिएंट में देखने के लिए मिलेंगे इसके RR 310 में। स्प्लिट में सीट होने वाली है, कंफर्टेबल होने वाली है। साथ में जब BMW की सीट देखेंगे तो ये भी कंफर्टेबल सीट होने वाली है, स्प्लिट में देखने के लिए मिल जाएंगी। साथ में ग्रैब हैंडल्स भी लगे हैं, तो यहाँ पर पकड़ने के लिए ग्रैब हैंडल्स हैं। साथ में रियर में आपको सिंगल मोनोशॉक सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाएगा और क्वालिटी काफ़ी बढ़िया होने वाली है सस्पेंशन की। साथ में BMW में भी आपको सिंगल मोनोशॉक सस्पेंशन देखने के लिए मिलता है। साथ में यहाँ पर सीट कंफर्टेबल होने वाली है। और एक चीज जो है वो है मीटर। मीटर में काफी सारे फंक्शन देखने के लिए मिलते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम की बात हो, क्विक शिफ्टर की बात हो, यहां पर देखो आपको सारी इंफॉर्मेशन इसमें बता देगा। मोबाइल कनेक्टिविटी की बात हो, टर्न टू टर्न नेविगेशन, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, बैटरी चेक, इंजन चेक, सारी चीजें दिखा देगा। साथ में जब BMW में देखेंगे तो BMW में देखो क्या है कि थीम नजर आ जाएगा। साथ में ये सारे जो थीम्स हैं इनको आप चेंज कर पाएंगे, अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर पाएंगे। साथ में यहाँ पर बाहर का टेम्परेचर, अंदर का टेम्परेचर, लास्ट टॉप स्पीड वगैरह सारी चीज़ें बता देगा। और टॉप स्पीड की बात होती है तो 170 किलोमीटर तक की टॉप स्पीड होने वाली है। साथ में रियर में आपको LED में टेल लाइट देखने के लिए मिल जाएगी। और वहीं जब हम बात करते हैं रियर का लुक देखेंगे तो यहाँ पर आपको LED में टेल लाइट और साथ में यहाँ पर LED में टर्न ऑन इंडिकेटर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। और साथ में BMW का भी लुक काफ़ी बढ़िया होने वाला है, ग्राफिक्स काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होने वाले हैं क्योंकि नया वाला वेरिएंट है। इसमें भी आपको LED में टर्न ऑन इंडिकेटर, LED में लाइट्स और साथ में जो कंट्रोलिंग है गाड़ी की, दोनों ही गाड़ियों की कंट्रोलिंग मच बेटर होने वाली है। साथ में आप अपने हाथ के हिसाब से इसके क्लच को भी एडजस्ट कर पाएंगे, इसके ब्रेक को भी एडजस्ट कर पाएंगे जब अपाची की बात होती है। लेकिन जब BMW की बात होती है तो यहाँ पर देखो आप क्लच भी इसमें एडजस्ट नहीं कर पाएंगे और साथ में यहाँ पर आप ब्रेक को भी एडजस्ट नहीं कर पाएंगे अपने हाथ के हिसाब से। आइए एक बार जल्दी से इसका साउंड सुन लेते हैं। तो साउंड भी काफी ज्यादा हैवी सुनने पर मिलेगा। साथ में 150, 60 और 17 इंच का टायर होने वाला है, यानी कि सड़कों को पकड़कर चलती हैं दोनों ही गाड़ियों का जो टायर है वो सेम होने वाला है। साथ में
कंट्रोलिंग बढ़िया है, BMW में प्रोजेक्टर में लाइट देखने के लिए मिलेंगी, साथ में अपाची में भी DRL और प्रोजेक्टर में लाइट देखने के लिए मिलेंगी, कोलैब गाड़ी है तो दोनों में ही सारी सिमिलर चीज़ें लगभग लगभग देखने के लिए मिलेंगी। साथ में यहाँ पर देखो BMW की कंट्रोलिंग बढ़िया है, किसी में कुछ थोड़ी सी एग्रेसिवनेस थोड़ी सी BMW में ज़्यादा है, और वहीं जब हम अपाची RR की बात करते हैं तो थोड़ी सी कम एग्रेसिव है, तो जिसको थोड़ी सी ज़्यादा एग्रेसिव बाइक पसंद है तो उसके लिए कहीं ना कहीं BMW की बाइक बेस्ट हो सकती है। लेकिन ये तो मित्रों आप पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी बाइक पसंद है, कि आपको पसंद है BMW की बाइक। दोनों में ही सिंगल मोनोसोक सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाएंगे, साथ में सस्पेंशन की क्वालिटी बढ़िया है, 8 वे तक आप इनको एडजस्ट कर पाएंगे। साथ में यहाँ पर BMW की जो बाइक है उसकी अपने आप में कहीं अलग बात है और इसकी बात अपने आप में अलग है। 280mm की डिस्प्ले दोनों में ही देखने के लिए मिल जाएगी, साथ में ड्यूल चैनल ABS के साथ देखने के लिए मिल जाएंगी, और ब्रेक के कैलिपर और उनकी क्वालिटी बढ़िया होने वाली है। साथ में यहाँ पर कंपनी कहती है एयर कूलिंग, यहाँ पर आपको वाटर कूलिंग सिस्टम देखने के लिए मिलता है BMW में, RR में देखने के लिए मिलता है लिक्विड कूलिंग सिस्टम। लेकिन ये तो आप पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कूलिंग सिस्टम पसंद है, कौन सी गाड़ी पसंद है, कमेंट में बताइए। आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।